फर्स्ट चीज़ मैंने अपना इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास से पास किया सेकेंड चीज़ मैं एवरेज स्टूडेंट थी उसके बाद में मैंने एक गो में साइंस सार्ड ने भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकेंड सेमेस्टर हो मैंने बिना बैक के प्लियड के आई वॉज ऑल पास बट यहाँ पे मैं आपको कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो आप अवॉइड कर सकते हैं सेकेंड चीज़ जो मैंने टॉपर्स की ऑब्जर्व की मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ हाँ पे एंड द थर्ड चीज़ की आपको कैसे सब चीज़ें हैंडल करनी है तो लेट गेट स्टार्ट फर्स्ट थिंग इज दैट एडजस्टिंग टू द इंजीनियरिंग माइंडसेट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इवन दो आपको अच्छा स्कोर नहीं आया है बट आपको चीज़ें समझ में नहीं है तो आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म तो कर सकते हो तो ऐसा बात समझो कि आपको कोई स्कोर कम आया है कोई एग्जाम में या कोई पेपर में कोई एक सब्जेक्ट है आपको सब समझ में आ रहा है बट आप पेपर में नहीं लिख पा रहे तो वो फिगर आउट करो कि आप क्यों नहीं लिख पा रहे हो ये मत समझो कि तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है या तुमको आता नहीं है ये सब सोचो कि आप कैसे अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टैंडिंग करो बच्चे जैसा या रट्टू टू जैसा सब चीजें रटते मत बैठो रटने से सब लोग को आ जाएगा बट आपका जो आप जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन है आपका वो पीछे रह जाएगा तो रेदर देन रट्टम रट्टाफिकेशन करने से अच्छा आप करो कि आप अंडरस्टैंड करो चीज़ों को हाउ टू अंडरस्टैंड दम आप पढ़ा सकते हो एक इमेजिन करके आपके पास स्टूडेंट्स हैं सामने आप उनको पढ़ा रहे हो एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ें लिख रहे हो तो इस तरीके से ना आपको चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है सेकेंड चीज़ आप अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो सही टेक्निक्स जो आपको हेल्प uh, करेंगी जैसे कोलोडोरा हो, हो गया या बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो आपको हेल्प करेंगी कंसिस्टेंट रहने में प्लस आपकी स्टडीज इफेक्टिव करने में एंड द वन थिंग कि स्टडीज कैसे करना है तो सपोज यू हाफ डिसाइडेड यूर गोट अ स्टडी फॉर अ थ्री आवर्स ओके तो कॉन्स्टेंटली थ्री आवर्स वन डे से अच्छा बीस मिनट पढ़ो पांच मिनट का ब्रेक लो बीस मिनट पढ़ो पांच मिनट का ब्रेक लो इस तरीके से आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे मैनेजिंग डी वर्कलोड फिर आपके पास में असाइनमेंट्स रहेंगी उसके बाद प्रैक्टिकल रहेंगे लैब्स रहेंगे सबमिशन रहेंगे वाई वा रहेगा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा Uh, एक एग्जाम गई दूसरे एग्जाम तब पड़ती है तो ऐसे बहुत कम टाइम होता है आपके पास में एंड आपके असाइनमेंट्स और वो देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके इंटरनल्स डिसाइड करते हैं तो उनको कैसे कंप्लीट करना है अनाग विद आ, अदर वर्कलोट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं क्योंकि मैंने भी पार्ट टाइम किया था पिछले साल में तो इसलिए मेरे को तो मेरे को इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था बट मैंने जो चीज़ें वहाँ से सीखी है या फिर मैंने अपने पिछले साल से सीखी है मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो असाइनमेंट जब भी होती है या फिर प्रैक्टिकल जब भी होता है आपको जब टाइम में लेना कॉलेज में चलते कॉलेज में ऐसा नहीं कि कॉलेज सारा दिन रहता है या आप दस बजे से पांच बजे तक बस कॉलेज में ही पढ़े रहते हो बस कंटिन्यूअसली लेक्चर्स होते हैं नो ब्रेक्स नो नथिंग बर्न्स वगैरह कुछ नहीं होता तो ऐसा नहीं है लेक्चर्स कैंसिल होते हैं लेक्चर्स में आप बंक मारते हो मार्ज बंक रहता है आपका तो आप उस टाइम में ना असाइनमेंट्स कंप्लीट करके रखो कोई नहीं चाहता कि वो रात रात भर जाग के अपनी नींद नींद खराब करके अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट करे या प्रैक्टिकल कंप्लीट करे तो इतनी नौबत ना आने दो कि आपको सबमिशन के एक दिन पहले या रात भर जाके आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़े उससे अच्छा आप पहले कंप्लीट करके रख दो तो अपने पास में ओके द थर्ड थिंग इज दैट बिल्डिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स तो वाट आई डर इन माई फर्स्ट ईयर आई थॉट कि सब बोलते हैं कि यू नो एक रात पहले पढ़ के सब हो जाता है सब आ जाता है बट दैट इज द बिगेस्ट नो तो एक रात पहले पढ़ के कोई, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत रेयर बच्चों की जो टॉप कर सकते हैं एक रात पहले पढ़ के बट एवरेज बच्चा टॉप नहीं कर पाएगा वो पास जरूर हो जाएगा बट वो टॉप नहीं कर पाएगा ठीक है मैंने मैथ्स में ऐसे किया था मेरे सीटी के टेस्ट में मैंने रात एक रात पहले पढ़ा था बट द एफर्ट आई टुक टू गेट फोर्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन मैथ्स में वो वॉज लाइक मैंने रात भर लाइक like मैं घर पर आई मैं थोड़ी देर सोई फिर उसके बाद मैं मैंने रात भर जाके पढ़ाई की मैं थोड़ी देर सोई फिर रात थोड़ा सा रिविजन किया एंड देन आई वो टी एग्जाम कॉल और फिर मैंने एग्जाम दिया फॉर्चुनेटली मेरे को सब आया एग्जाम में आई वॉज कॉन्फिडेंट बट द एफर्ट जो मेरे को रात भर लेने पड़े वॉज नेक्स्ट लेवल तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा स्कोर आए ठीक तो है तो आपको बहुत ज्यादा पहले से पढ़ना पड़ेगा तो मतलब एटलीस्ट आपको रोज आधा घंटा एक घंटा पहले पढ़ना ही पड़ेगा रिवाइज रिवाइज करना पड़ेगा जो भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उनको तो जाके आपको कहीं क्लास में अच्छा मार्क्स मिलेगा बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अर एड्रेस बी बिकमिंग अ टॉपर इज ऑल्सो अर एड्रेस तो मतलब हर हाँ कोई टॉपर बनना चाहता है कौन नहीं चाहेगा कि वो फोर्स है क्लास में कौन नहीं चाहेगा कि उसका फेलिसिटेशन हो कौन नहीं चाहेगा कि उसको लोग एज अ टॉपर जाने ठीक है तो इट इज ऑल्सो अर एड्रेस तो रादर देन स्टडिंग राइट बिफोर स्टार्ट टू स्टडी एटलीस्ट डेली फॉर लाइक थर्टी मिनट फोर्टी मिनट जैसे धीरे धीरे बढ़ाओ ऐसा नहीं कि एक दिन में ही छह घंटा पढ़ लो एक दिन में ही सात घंटा पढ़ लो धीरे धीरे पढ़ो ताकि आपको एक आदत लगे ओके एंड द फोर्थ थिंग कम्स नेटवर्किंग एंड कोलापरेशन तो आप जब मैं अभी हमारे इधर कैसा रहता है डिपार्टमेंट में आना रहता है और हमारे कॉलेज में कैसा रहता है कि हम लोग क्लासरूम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं फर्स्ट ईयर के लिए एंड देन फिर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारे कनेक्शन नहीं बन पाता है फर्स्ट ईयर में टू बी ऑनर्स जस्ते लाइट्स होते हैं उनका बन जाता है क्योंकि वो मिलते हैं सीनियर्स है वगैरह बट जो लोकल लाइट्स होते हैं उनके लिए यू होता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते इतना जल्दी ठीक है अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो कोई बात नहीं अब सेकेंड ईयर में जाके थर्ड ईयर में जाके फोर्थ ईयर में जाके उनसे कनेक्ट कर लोगे नेटवर्किंग आपकी हो जाएगी नेटवर्किंग का दूसरा तरीका है कि आप स्पोर्ट्स uh, इवेंट में कल्चरल इवेंट्स में टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो अपने सीनियर्स के साथ सो दैट यू कैन बिल्ड दैट बॉन्ड तो ऐसे आपका नेटवर्क और कनेक्शन बन जाएगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लाइक uh, like, जो भी आपके क्लब्स uh, होते हैं कॉलेज में आप वहाँ पे जॉइन करो प्लीज़ ज्वाइन करो क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है आई हैव जॉइंड वन क्लब लास्ट ईयर तो उसमें मैं फिर टी एम एज अ कोर टीम मेम्बर काम किया अब मैं उसकी डिजाइन हेड डिज़ाइनर हो मतलब कि मैं डिज़ाइन uh, टीम की हेड हो उसके बारे में uh, मैंने uh, अपना काउंसिल से ऐसी फॉर्म भरा इंटरव्यू दिया एंड आई वॉट द पोजिशन ऑफ ओ जी एस तो एंड थर्ड चीन्स किया टेक्निकल टीम में भी आंकर अभी मैं स्टूडेंट काउंसिल की तो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है आई एम ऑल्सो इन रोवर्ड बट जरूरी है कि जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे ग्रैप कर लेनी चाहिए क्योंकि आपका ही नॉलेज बढ़ता है ठीक है बस किताबी ज्ञान रखने तो से कुछ नहीं होने वाला आपको बाहरी दुनिया का भी ज्ञान रखना पड़ता है जैसे भी मम्मी बोलती है कि यू शुड हैव हाँ अ प्रैक्टिकल नॉलेज तो वही प्रैक्टिकल नॉलेज कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों से तो वैसे आप भी कर सकते हो फिफ्थ थिंग इज दैट सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ तो स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज आते हो तो मैं अपना स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरा क्या हुआ ना आई थाट कि एक मेरे को आदत नहीं था कॉलेज में किसी से मतलब बात करने की ज़्यादा वो नहीं थी तो और uh, फर्स्ट दो चार दिन में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे तो दोस्ती नहीं बन बनने वाले लोगों के ग्रुप बन गए लोग बातें कर रहे हैं बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए आज वो ग्रुप कहीं नहीं दिखते दैट इज़ डिफरेंट थिंग बट मुझे ऐसा लगा था कि दो दिन में लोगों के ग्रुप बन गए बातें बातें हो रही है डिफरेंट साथ में खा रहे हैं मेरे से तो कोई बातें नहीं करना मेरे से वक्त तो बातें नहीं, तो नहीं हो रही किसी की बात द एक्चुअल थिंग इज़ दैट धीरे धीरे जैसे आप टाइम स्पेंड करूँगी अपने क्लासमेट्स के साथ में साथ में सीरियस के साथ में तो ऑटोमेटिक आपकी दोस्ती बढ़ेंगी ऑटोमेटिक आपको चीज़ें सीखने मिलेंगी और ऑटोमेटिक आपकी जो सेल्फ डाउट है आप आपका जो भी है कि यू you नो know, मेरा तो दोस्त नहीं है मतलब ये फोन होता है ना ये भी मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है अब भी उन्हीं लोगों में से है जो कॉलेज में आए हैं वो भी आपके जैसे हैं तो आपकी दोस्ती किसी ना किसी से हो जाएगी टाइम लगेगा अच्छे दोस्त बनने के लिए ठीक है तो टाइम के लिए रुको एंड एन ट्राई करो कि आप कॉन्वर्जेसन करो एंड द सेकेंड थिंग थर्ड थिंग इसकी आप जर्नलिंग कर सकते हो आप रीडिंग कर सकते हो आप मेडिटेशन कर सकते हो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आप योगा कर सकते हो टू हैव दैट पीस जो आपको शांति की ज़रूरत है वो आपको इन चीज़ों थ्रू मिल सकती है ट्राई करो कि आप मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखो एट लास्ट आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से अपनी हॉबी फॉलो करो अच्छी नींद लो उसके बाद में अच्छे गाने सुनो अच्छे पॉडकास्ट सुनो तो इससे मन में शांति बनी रहेगी और आपको नई नई चीजों के बारे में भी पता चलेगा एंड द दिक्कस थिंग कि आज आपको मिलने वाला है होमवर्क तो होमवर्क क्या रहेगा पहली चीज मेजर सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस निकाल के रखो जो भी आपके सेमेस्टर के लिए है। दूसरी चीज हर एक सब्जेक्ट uh, के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो लिख के निकालो तीसरी चीज क्या आपका एक स्टडी शेड्यूल बना लो चाहे वो थर्टी मिनट्स का क्यों ना हो आपको वो बनाना पड़ेगा बनार का थर्टी मिनट्स का जो भी आपको सूटेबल है जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल है दिन हो या रात आप कभी का भी बना सकते हो कहीं का भी बना सकते हो बस आप उस टाइम पर बनने के लिए कम्फर्टेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिव हो उस टाइम पर आप वरना रात का बना दिया और हम ऐसे ऐसे करके पढ़ने पड़े जा रहे भी मैं बहुत करती थी इट अलेवन ट्वेल्थ में घर को नींद आती थी सिर्फ पानी मार मार के ऐसे ऐसे करके पढ़ती थी दैट इज़ द मोस्ट गंदी चीज़ तो आप जिस टाइम पे मोस्ट एक्टिव रहते हो उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करो एंड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट है आपको क्या करनी है एक ऐसा सीनियर या ऐसी टीचर ढूंढ लेनी है जो आपको थ्रू आउट दिस डाइड करेंगी आपके सब्जेक्ट्स को लेकर आपके जो भी टॉपिक्स है डाउट्स है वगैरह को लेकर कहाँ से पढ़ना है क्यों पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो सब आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे यस एंड दैट वाज अबाउट दिस वीडियो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना बेचारा फर्स्ट ईयर में अभी से सफर कर रहा है दो दिन हुए उसको जाने के लिए और वो डिप्रेशन में चला गया है सॉ so, उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाए और एक्चुअल जर्नी को एंजॉय कर पाए एंड यस इंजीनियरिंग इज अ जर्नी तो एंजॉय द जर्नी बाय बाय